मेघा पाटकर के नेतृत्व में किसान संघर्ष समिति ने खोला मोर्चा, किसानों और मछुआरों की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। फिर से लग जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताला, टिप्पणी से बिगड़ी बात, आक्रोशित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं 13 से पुनः आमरण अनशन पर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बने राहुल गांधी, युवा नेता पाकर कांग्रेस में जश्न का माहौल, राजीव भवन में मनाई गई खुशियां। और युवा उत्सव के तहत म्यूजिकल कंसर्ट में जिले की प्रतिभाओं ने दिखाया हुनर, मशहूर प्लेबैक सिंगर ऋतु पाठक ने साझा किया मंच। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूँ प्रतिभा वीरेन और आप खबरें विस्तार से। नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर के नेतृत्व में आज किसान संघर्ष समिति द्वारा क्षेत्र के किसानों तथा मछुआरों की समस्याओं के निदान के लिए 9 सूत्रीय मांगों के साथ स्थानीय बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर किसान संघर्ष समिति उपाध्यक्ष एडवोकेट आराधना भार्गव सहित समिति पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय किसान मौजूद थे। बात है कि हमारे युवा साथी आज जुस्से से अपनी बात रख रहे हैं और बुजुर्गों का भी उनको आशीर्वाद है। साथियों, ये मत समझिए कि लड़ाई हर बार ऐसी ही चलती जाएगी। लड़ाई जो कि तलवार की नहीं है, बंदूक की नहीं है, जिसने हमें पत्थर नहीं उछालते, केवल अपने खून पसीने की ताकत और अपने संगठन की शक्ति, इन्हीं के आधार पर संविधान के दायरे में अहिंसा का पालन करते हुए, कहीं भी शस्त्र हाथ में ना लेते हुए हम चलते हैं, तो पुलिस को सरकार क्यों सामने लाती है, समझने की बात है। अपना नारा ही है, सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। जिसको ये नारा मंजूर है वही नारा दे, और नारा देने वाले जरा मुट्ठी बंद करके हाथ उठा के बोले, हाँ हाँ हम बोल रहे हैं, हमारा भी यही मानना है। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। इसलिए जिलाधीश महोदय, हम तो आते ही है छिंदवाड़ा में बार बार, और भले बस स्टैंड के ऊपर आपके विस्थापित एकत्रित होते हैं, आप उनको एक बार तो निमंत्रण भेजते कि आइए, आपकी हर समस्या में सुनना चाहता हूँ और यूं हल करना चाहता हूँ जो भी कानून के दायरे में संभव है। क्यों नहीं करते ऐसी बात? आज की कीमत क्या है जमीनों की, आज की कीमत क्या है घरों की? आप सब लोगों को खड़े होकर कहना चाहिए कि हम फिर से मालिक हैं। अगर डुबाना था जो 2014 के बाद में डुबाया गया, तो वो गैर कानूनी रूप से डुबाया गया है। मैं आज भी आपको फिर से पिछले बार भी किया था ऐलान करती हूँ कि आप सभी साथी, खास करके पढ़े लिखे युवा साथी, पूरा काम छोड़कर इस काम में लग जाइए कि आपकी जमीन और आपका घर 2014 के बाद अगर डुबाया गया, जो कि 2008 से आपके कब्जे में था, तो वो गैर कानूनी रूप से डुबाया है। क्षेत्र के अच्छे अच्छे किसान, जीरो बजट एग्रीकल्चर, एक गाय के साथ एक एकड़ ऐसी खेती कर रहे हैं और खुश है। खर्चा नहीं, कर्जा नहीं, और खेती जैविक। कांग्रेस के युवा ऊर्जावान नेता राहुल गांधी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। खुशी की ये खबर आते ही जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में जश्न का माहौल था। इस अवसर पर जमकर आतिशबाजी हुई और मिठाइयां बांटी गई। भैया
भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्वाचन चल रहा था और राहुल जी ने नामांकन पत्र भरा था राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। उनके विरुद्ध किसी का भी कोई नामांकन पत्र नहीं आया है। आज निर्वाचन के जो हमारे मुख्य अधिकारी हैं उन्होंने राहुल गांधी का नामांकन सही पाया और एकमात्र नामांकन होने के कारण उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हम सभी कांग्रेस दल ने उसके लिए आज उनको बधाई प्रेषित की है और जश्न मनाया है और हमें सब कांग्रेस जनों को गर्व है कि एक युवा नेतृत्व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को मिला है जिसके माध्यम से न केवल कांग्रेस को बल्कि देश को भी एक नई दिशा मिली। समूचे प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं द्वारा 35 दिनों तक अपनी मांगों को लेकर तरह तरह से आंदोलन और प्रदर्शन किए गए। आश्वासन मिलने पर जैसे तैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं केंद्रों तक पहुंची थी कि फिर बात बिगड़ती दिख रही है। बुलंद आवाज नारी शक्ति संगठन की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने एक बार फिर आमरण अनशन का मन बना लिया है। दिनों में जिला छिंदवाड़ा में मुझे सुनने आया कि हड़ताल स्थगित कर दी गई है क्योंकि हमारी माननीय जो अनसुईया उइके मैडम जी हैं उनके आश्वासन में हमने उनका सम्मान करते हुए उनके आश्वासन में जिला छिंदवाड़ा ने हड़ताल स्थगित कर दी थी। परंतु इसी दौरान जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं नंद कुमार चौहान जी उन्होंने पत्रिका पेपर में मुख्यमंत्री का जो सम्मान कार्यक्रम होना है 14 दिसंबर का उन्होंने कहा है कि भीड़ बढ़ाने के लिए प्रदेश भर की 10,000 महिलाएं लेके आना लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मत लेके आना क्योंकि उनका कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं है और उनका कोई फेस रिएक्शन नहीं होता। उन्होंने बोला वकील को लेके आइए, महिला वकील, कॉलेज की छात्राओं को लेके आइए, सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेके आइए। तो नंद कुमार चौहान जी से मेरा ये पूछना क्या हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है कि हमारा कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं क्योंकि उन्होंने लिखा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बॉडी लैंग्वेज नहीं है। मतलब भगवान ने उन्हें एक अलग सी आँख दे दी है, उनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बहुत परख है कि इनका बॉडी लैंग्वेज नहीं है। एक तरफ वो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं और हमारा अपमान कर रहे हैं, क्या हम महिलाएं नहीं है? इसी बात का खंडन करते हुए और इसी बात का हम विरोध करते हुए पूरा समस्त जिला, पूरा मध्य प्रदेश, हम लोग सारी महिलाओं से अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम का विरोध करेंगे और छिंदवाड़ा जिला जो कि वापस अपने केंद्र जा चुका था अब हम फिर से हड़ताल पे वापस आ रहे हैं और कल से कोई केंद्र नहीं खुलेगा और हम 13 तारीख से आमरण अनशन में बैठ रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम 13 तारीख से पूरा मध्य प्रदेश आमरण अनशन में बैठ रहे हैं। 10 दिसंबर की शाम दशहरा मैदान खनकती सुरीली मदहोश कर देने वाली आवाज में सुर और संगीत के नाम रही। मौका था युवा उत्सव का और मशहूर गायिका स्टार फेम प्लेबैक सिंगर रितु पाठक मुख्य परफॉर्मर थी। युवा उत्सव में रितु पाठक ने जिले की प्रतिभाओं के साथ मंच साझा किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, चौरी विधायक पंडित रमेश दुबे सहित जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथि मौजूद थे। शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर हितेश मिश्रा ने की। आज से शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से रानी कमला जी की ओर से इस संस्था को और आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जैन। हमारे अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष चंदाला के अपने पूर्व विधायक, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री सम्मान्य दीपक सक्सेना जी।
चुकी और अगर मैं रो पड़ी तो मैं जा नहीं पाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर जीजा जी, आई लव यू सो मच। आशीर्वाद मुझे रहा है, प्यार मुझे रहा है, यही तो चीज मुझे मम्मे ने दी गई है। हेलो बेटा। हेलो, हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे? मैं बेटा ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। आती गाना गाते हैं? अरे वहाँ ऐसे बच्चों को लेके कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं होता है, ये भगवान की देन है और ये भगवान की ब्लेसिंग्स है। ये सौम्या के लिए बस जोर गाने बजाए और सौम्या का गाना मैं तो दो लाइन प्लीज आप मेरे लिए कुछ गाएंगी। चिकने हाय चिकने मुझमे फिसल गए, कितने हाय कितनों के कम निकल गए, हाय तौबा क्या होगा वो होगा जो होगा, सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आएगा जलेबी बाई। Oh,
इमोशंस बाहर आ रहे हैं ज्यादा. सॉरी सर, सॉरी. एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. संतोष कैटर, यादगार लम्हों को बनाए खास. हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का. शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने. आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर. जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ. संतोष कैटर्स आपके शादी विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज. लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक. डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड. हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य. संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है. 8 दिसंबर को सतना जिले के मैहर में बजरंग दल के जिला संयोजक महेश तिवारी पर हुए जानलेवा हमले के कारण हिंदू संगठनों में आक्रोश है. छिंदवाड़ा में बजरंग दल जिला संयोजक अजय बंदेवार ने घटना की भर्त्सना करते हुए प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी तथा कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है. आज पूरे महाभोतल समाज में ज्ञापन दे रहा है. दिनांक 8 तारीख को जो घटना हुई है बजरंग दल के जिला संयोजक महेश तिवारी जी के ऊपर, कुछ यदि आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा.
पूरा मध्य प्रदेश बंद की बंद करेगा एवं आंदोलन करेगा। विगत 8 दिसंबर को मैहर में जो बजरंग दल जिला संयोजक महेश तिवारी के ऊपर आत्मघाती हमला किए गए और हिंदू विरोधी देश विरोधी पाकिस्तान जिंदाबाद के कुछ समुदाय के लोगों को एकत्रित करके ये नारे लगाए गए, उस विरोध में आज बजरंग दल महामहिम मुख्यमंत्री महोदय जी को जिला कलेक्टर जी के द्वारा यह ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है कि जो इस घटना में शामिल लोग हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं और जो पकड़े गए हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जो हमारे बजरंगियों पर जबरन मामला बनाया गया है प्रशासन के द्वारा उन पर से कुछ धाराएं हटाकर उन्हें मुक्त कराया जाए, या ऐसा हम महामहिम मुख्यमंत्री महोदय जी से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं। आज छिंदवाड़ा जिले में भी उसी कड़ी में यह ज्ञापन दिया गया है। इधर स्कूलों में मौजूद शैक्षणिक सत्र के वार्षिक उत्सवों का क्रम प्रारंभ हो चुका है। अमित किड्जी नामक स्कूल में आज फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई। अपने बच्चों को पाठांतरित करने के लिए अनुभवित करिए, अध्ययन को भी स्टेज पे पहुंचाएंगे तो लाइक करना चाहता है तो उसके लिए भी आगे आ जाए, मुझे आगे बता दे। उत्सव शुरू हुआ है जिसमें हमने आज फैंसी ड्रेस एक्टिविटी रखी हुई थी। ये पहला इवेंट है जिसमें हमने विभिन्न थीमों को लिया था। नर्सरी के बच्चों के लिए हमने ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स लिया था, प्ले के बच्चों के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कंप्यूटर भी एक थीम था जिससे बच्चों ने कंप्यूटर के बारे में और उसके क्या यूजेस हैं उनको जाना, बच्चे फ्लावर्स बने थे, बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी और पेरेंट्स का बहुत योगदान रहा, पेरेंट्स उनको तैयार करके बहुत अच्छे। निर्मल पब्लिक स्कूल के 22वें वार्षिकोत्सव का शुभारंभ आज खेल गतिविधियों के साथ हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के प्राचार्य श्री गर्ग मुख्य अतिथि थे। देखिए
आज निर्मल पब्लिक स्कूल का 23वां वार्षिकोत्सव प्रोग्राम का इनॉग्रेशन हुआ है। आज हमारे सर आज हमारे साथ थे, उनके मार्गदर्शन में आगे के 10 दिन के कार्यक्रम होंगे और आज से बच्चों ने पासिंग आउट परेड करके अपने कार्यक्रम को प्रारंभ किया है और सर ने बच्चों को शपथ दिलाई है अच्छे कार्यक्रमों के लिए, बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए। सर आज के वी वन के प्राचार्य श्री गर्ग सर हमारे साथ हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है वो हमारे साथ हैं। बच्चे आगे चलकर बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, ये हमारी आशा है और बच्चों को हमने इस बात के लिए प्रेरित किया है कि वो बहुत सारे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करें। निर्मल पब्लिक स्कूल में 23वां खेल महोत्सव चालू हुआ है और ये बड़ी खुशी की बात है कि विद्यालय के सारे बच्चे, जैसा कि परेड में मैंने देखा, ये पूरे उत्साह के साथ और इन प्रतियोगिताओं में जो लगभग 24 तारीख तक चलेंगी उनमें भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और निर्मल पब्लिक स्कूल के चारों हाउस के सारे बच्चे करेंगे और मेरी सभी को शुभकामनाएँ हैं कि वो सबसे अच्छा प्रदर्शन करें। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक कलेक्टर जेके जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत रोहित सिंह सहित समस्त विभाग प्रमुख मौजूद थे। जमीनों का निकालने मामला, क्योंकि एसडीएम साहब को शायद मालूम है, उनको बुलाया। और बताइए, आप इसको कर लेना। और बताइए, शिक्षण के लिए पटवारी प्रशिक्षण के लिए सर, उसमें एक हॉल है सर और एक वर्कशॉप है, तो हॉल में हमारा उद्यमी विकास संस्थान का ऑफिस लग रहा है। पहले वो सेंटर किसी चल रहा था पूरा। तो किसका है वो? इनका आईटीआई का। तो फिर उन्होंने बोला, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने हैंड ओवर कर दिए, वापस कर दिए। हमको पता चला था कि खाली है। सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आंतरिक परिवार संस्थान है जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी है, उसमें भी इन आंतरिक परिवार समितियों का गठन किया जाकर इससे संबंधित जानकारी मुंबई शुद्धिकरण कार्यालय में 7 दिवस के अंदर भिजवाना। जीएमडीआईसी आप भी नहीं पूरी बात नहीं सुनी यार। फिर संबंधित जानकारी इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? तो 2 मिनट का काम आप करिए उसको। सर एक निवेदन और, 200 सीटर जो अपन कराची में बनाने वाले हैं उसके लिए चलिए 2 बार सर्विस के लिए करेंगे, दोनों बार नहीं करने दिया कल तो। इंद्र प्रदर्शनी क्रिकेट मैदान में जारी जिला स्तरीय अंतर महाविद्यालयीन क्रिकेट स्पर्धा के अंतर्गत आज हर्रई महाविद्यालय और चांद कॉलेज की टीमों के बीच मैच खेला गया। हर्रई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर्स में 136 रन बनाए, जबकि चांद कॉलेज की टीम जवाबी पारी में मात्र 98 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। यदि सिटी हलचल की सुर्खियां चलते चलते एक बार फिर रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। मेघा पाटकर के नेतृत्व में किसान संघर्ष समिति ने खोला मोर्चा, किसानों और मछुआरों की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। फिर से लग जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताला, टिप्पणी से बिगड़ी बात, आक्रोशित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं 13 से पुनः आमरण अनशन पर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बने राहुल गांधी, युवा नेता पाकर कांग्रेस में जश्न का माहौल,
राजीव भवन में मनाई गई खुशियां। और युवा उत्सव के तहत म्यूजिकल कंसर्ट में जिले की प्रतिभाओं ने दिखाया हुनर। मशहूर प्लेबैक सिंगर ऋतु पाठक ने साझा किया मंच। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।